हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कैप्सिकम प्लांट के केयर के ऊपर। जो हम लोग शिमला मिर्च लगाते हैं उसके प्लांट के केयर के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये जो अभी मेरा कैप्सिकम का जो पौधा देख रहे हैं, ये मैं पिछले साल नर्सरी से लेके आई थी इसकी सीडलिंग नवंबर के मंथ में, एंड बहुत छोटी सी सीडलिंग थी तो उस वक्त मैं लेके आई थी। तो मैंने इसे बीज से ग्रो नहीं किया है, मैं नर्सरी से सीडलिंग लेके आई हूँ। एंड अब देखिए इस पे जो कैप्सिकम है वो बनना शुरू हो गए हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं प्लांट को, तो आप जो सीड्स हैं वो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। एंड जो हम लोग कैप्सिकम खाते हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी के जो कैप्सिकम है मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, एंड फिर जो उसके सीड्स है उसको निकाल के आप उससे ग्रो कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है कि हम लोग सीड से कब ग्रो कर सकते हैं। तो सीड से हम लोग जो मॉनसून और स्प्रिंग के सीज़न में हम लोग इसकी सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। फिर अगर हम सीडलिंग तैयार कर रहे हैं, तो सीडलिंग के लिए मैं पॉटिंग मिक्स बता देती हूँ आपको। आप 50% सॉइल ले लीजिए और 50% सैंड, या फिर आप कोकोपीट कोई भी ले सकते हैं। तो आप उसके उसमें आप अपनी सीडलिंग्स को ग्रो कीजिए। फिर उसके एरिया, उसको प्लेस कहाँ करना है, तो जो आपकी सीडलिंग होगी वो आपको शेडेड एरिया में रखना है। मीन्स उस पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए, आप उसको लाइट पर रखिए बट धूप नहीं पड़नी चाहिए उस पर। एंड फिर बात करते हैं, आपका सीड बन गया, अब आपको ट्रांसप्लांट करना है अपने पौधे को। तो ट्रांसप्लांट आप 10 से 12 इंच का गमला लीजिए। देखिए जैसे मेरा ये गमला है, ये 10 से 12 इंच का गमला है। तो आप भी जब अपने सीड को ट्रांसप्लांट करेंगे तो 10 से 12 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। आप उसमें दो पौधे लगा सकते हैं आराम से। इसमें भी देखिए मेरे दो पौधे लगे हुए हैं, ये दो इसमें लगे हुए हैं। एंड फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें सीडलिंग हमारी कितनी बड़ी हो जाए तो हम उसको ट्रांसप्लांट करें। तो लगभग आपकी 10 से 15 सेंटीमीटर की जो सीडलिंग है वो हो जाए, बड़ी हो जाए, तो आप आराम से उसको भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स बात थी कि अगर हम सीड से ग्रो करते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये पौधा है, अब इसको कैसी केयर चाहिए। तो जो आप जो सीडलिंग है आप उसको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे, तो ये मैंने बता दिया कि आपको 10 से 12 इंच का पॉट चाहिए, ठीक है। उसमें आप दो पौधे आराम से लगा सकते हैं। अब उस पॉट के लिए पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए, तो 40% सॉइल, 40% कंपोस्ट एंड 20% सैंड, आप इन सबको मिक्स कर लीजिए। एंड उसके उस सॉइल में आप अपने कैप्सिकम के सीडलिंग्स को लगाइए, ओके। एंड फिर हम फर्टिलाइजिंग की बात करें, तो आपको 25 से 30 दिन, अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो 25 से 30 दिन के बाद आप इसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। हर 15 से 20 दिन के गैप में फर्टिलाइजिंग कीजिए अपने प्लांट को अच्छे फ्रूट्स के लिए, ठीक है। और फिर हम बात करें कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर हम यूज़ करें, तो आप बोन मिल, ठीक है, काउ मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, मस्टर्ड की जो केक आता है, आप उन सब से आप अपने फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक हैं ये सारे फर्टिलाइज़र। और फ्रेंड्स ये हम लोग मतलब कि मार्केट से भी हम लेके आते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे केमिकल्स डाले होते हैं, लेकिन हम इसमें केमिकल्स नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हम खुद फ्रेश हम चाहते हैं। तो आप इन ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स है उसका यूज़ कीजिए अपने गार्डन में। सो फ्रेंड्स देखिए मेरा कैप्सिकम कितना बड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट ये हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार है। तो जब मैं हार्वेस्ट करूँगी अपनी कैप्सिकम्स को तो मैं ज़रूर डालूँगी वीडियो, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल सकती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसको सनलाइट कैसी चाहिए, आप इसको लगभग 3 से 4 घंटे की सुबह और शाम की सनलाइट में इसको रखिए। बाकी आफ्टरनून की सनलाइट इस पर ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिए कि इस पर बहुत कम पड़े, तो इसके लिए अच्छा है। वाटर की बात करें तो आप इसको मॉडरेट वाटर दीजिए। जब आपको लगे कि आपका जो सॉइल है वो एकदम कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, या फिर जो ऊपर की दो से तीन इंच इसकी जो टॉप लेयर है वो ड्राई हो चुकी है, तब आप इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसमें एक्सेस वाटरिंग करेंगे तो जो इसकी रूट्स हैं वो भी रॉट होने का, वो भी गल के सड़ सकते हैं।
तो आप इसमें एक्सेस वाटरिंग ना कीजिए। फिर बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि मेरे साथ भी आए थे, कि जो इसके फ्लावर्स बनते हैं वो ड्रॉप होने लगते हैं, फल नहीं बन पाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि या फिर तो ये बहुत गर्म है आपका एरिया या फिर बहुत ठंडा है, तो उस टाइम पे जो ये अपने फ्लावर्स हैं ड्रॉप कर देता है, मीन्स वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, आपका वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सीजन में लगाइए जो कि इसका बेस्ट सीजन है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि पेस्ट अटैक। सो फ्रेंड्स, पेस्ट अटैक इसमें जो होता है एफिड्स या फिर वाइट फ्लाइज जो होते हैं, समटाइम्स मिली बग्स भी लगते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे इस प्लांट पे भी मिली बग्स लग चुके थे, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड नीम ऑयल का। सिर्फ मैं नीम ऑयल का ही मैं इस पर स्प्रे करती थी, हर 2 से 3 दिन में इस पर स्प्रे कर देती थी, तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं थी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम थी। इसके जो लीव्स के आप देखेंगे तो नीचे साइड में आपको दिखेगा, या फिर जो आपके फूल बनते हैं वहाँ पर भी आपको दिख सकता है। तो आप ये यूज़ कीजिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का, तो आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आप ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। एंड फ्रेंड्स, आप भी कैप्सिकम का पौधा एटलीस्ट एक तो लगाइए, इसलिए क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम कैप्सिकम ग्रो किया था और मुझे इसके रिजल्ट से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एकदम जितनी मैंने मेहनत डाली सारी मुझे इसका फल मिल रहा है। अभी मैं कुछ दिन में जितनी मेरे हैं कैप्सिकम हार्वेस्ट करूँगी, मैं बहुत खुश हूँ। सो आप देख लीजिए, अभी इस पे 4 यहाँ पे कैप्सिकम लगे हैं। एंड 2 यहाँ पे लगे हैं, यहाँ से आपको क्लियर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं तो इस बार कैप्सिकम का प्लांट मैंने लगाया एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड अगेन मैं फिर लगाऊंगी कैप्सिकम का प्लांट, बट इससे मैं अच्छी खासी फ्रूटिंग ले लूँ तब। एंड फ्रेंड्स, आप भी अपने वेजिटेबल्स जितना हो सके आप ऑर्गेनिकली ग्रो कीजिए अपने गार्डन में, एक छोटा सा गार्डन क्रिएट कीजिए अपने अपने हाउस में, कहीं भी आप जहाँ रहते हैं अगर हो सके तो। एंड ज़रूर कैप्सिकम का प्लांट लगाइए, एंड साथ साथ में गार्डनिंग करेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी मस्त टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, एंड स्टे कनेक्टेड। हैप्पी गार्डनिंग।